अभी हमने इससे पहले हमने इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों में हमने सेंड और रिसीव के मेथड्स देखे, ऑपरेशंस देखे कि उन दोनों को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जाहिरी सी बात है कि हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो सेंड और रिसीव ऑपरेशंस हैं उन दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी होती है या एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि जब भी हम मैसेज पास करते हैं एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज पास करता है, अगर तो वो सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट में है तो वो दोनों जो हैं वो ब्लॉकिंग भी हो सकते हैं और नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकते हैं। तो ब्लॉकिंग क्या होता है? ब्लॉकिंग इज एक्चुअली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यानी कि सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जब सेंडर सेंड करता है तो रिसीवर जो है वो वेट कर रहा होता है कि सेंडर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करे। तो जब रिसीवर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो फिर एक्नॉलेज करता है सेंडर को कि यस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो दिस एनवायरनमेंट इज सिंक्रोनस एनवायरनमेंट वेयर सेंडर एंड रिसीवर आर बोथ सिंक्रोनाइजिंग विद ईच अदर। तो ये कम्युनिकेशन जाहिर है, ये इस तरह की कम्युनिकेशन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होती है? नॉन ब्लॉकिंग में एसिंक्रोनस होती है। इसका मतलब है कि कोई भी ब्लॉक नहीं होगा, सेंडर का जब मर्जी होगी वो सेंड करेगा, रिसीवर जब अवेलेबल होगा तो वो उस वक्त रिसीव करेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसीविंग एंड पे कोई बफर मौजूद होगा जिसमें कि कोई जो वैल्यू रिसीव हो रही होगी वो बफर में ऐड होगी, और जब भी रिसीवर प्रोसेस एक्टिव होगा तो वो बफर में से जाके वैल्यू को रीड कर लेगा। तो कोई भी बाउंड नहीं होगा दूसरे की वजह से। अब इसमें सेंड और रिसीव के केस में अगर हम पढ़ते हैं तो दोनों हो सकते हैं, ब्लॉकिंग सेंड भी हो सकता है और नॉन ब्लॉकिंग सेंड भी हो सकता है। ब्लॉकिंग सेंड क्या होता है? द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स। ब्लॉकिंग सेंड का मतलब यह है कि जब भी कोई सेंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता कि हाँ भाई मैसेज जो है वो सेंड हो गया है। यानी कि सेंड ऑपरेशन कंप्लीट उस वक्त होता है जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और जब तक वो मेक श्योर नहीं कर लेता कि हाँ भाई जो मेरा रिसीवर है इंटेंडेड रिसीवर उसने मेरे मैसेज को रिसीव कर लिया है। तो ब्लॉक होने का मतलब ये है कि जो भी सेंडर प्रोसेस होता है वो वेट स्टेट में या वो जो इवेंट अकर होने की स्टेट में चला जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर जैसे उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है तब वो आगे बढ़ता है प्रोसेस करने के लिए। इसी तरीके से नॉन ब्लॉकिंग सेंड होता है। नॉन ब्लॉकिंग सेंड क्या करता है? नॉन ब्लॉकिंग सेंड जो है वो द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द मैसेज एंड रिज्यूम्स ऑपरेशन। यानी जो सेंडर प्रोसेस है वो ब्लॉक नहीं होता, वो अपना काम कंटिन्यू करता है, बस वो सेंड करता है और वो अपने काम को कंटिन्यू करता है। एक्नॉलेजमेंट वो बाद में भी आके चेक कर सकता है, लेकिन प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है ना वो कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट यानी कि जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से कि मुझे कोई मैसेज सेंड करना है, यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड किया, मेरे कोड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है सेंड मैसेज एंड देन प्रिंट एफ। सही है, प्रिंट में मैं सक्सेस प्रिंट करवा देती हूँ। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसी कोड को हम ब्लॉकिंग में करते हैं, ब्लॉकिंग में क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ कोड है सेंड ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे वेट करेगा जब तक कि उसको रिसीव नहीं हो जाता एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा जिसमें लिखा हुआ है सक्सेस। नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या होगा? नॉन ब्लॉकिंग सेंड में ये सेंड मैसेज एग्जीक्यूट होगा और नॉन ब्लॉकिंग में यहाँ वेट नहीं होगा, नॉन ब्लॉकिंग में वो फौरन नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट कर देगा और अपना काम कंटिन्यू करेगा, और जो भी एक्नॉलेजमेंट आना होगा वो बैक एंड पे रिसीव करके उसके साथ कोई ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना होगा वो अलग से करेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो ब्लॉक नहीं करेगा अपने प्रोसेस को। इसी तरीके से रिसीव ऑपरेशन काम करता है। ब्लॉकिंग रिसीव क्या करता है कि वो ब्लॉक हो जाता है, प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, वेट स्टेट में चला जाता है रिसीविंग प्रोसेस जब तक के उसे डेटा नहीं मिल जाता। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव क्या करता है? या तो वो मैसेज को रिसीव कर लेता है या फिर वो नल को रिसीव कर लेता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं होता है। अच्छा, एक बात और याद रखने की है कि जो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली
सेंड के केस में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रिसीविंग एंड पर तो हम बफर लगा के और उस बफर को पीरियोडिकली चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिसीव होता है वो नॉर्मली नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन ही होता है, लेकिन सेंड में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम सेंड को ब्लॉकिंग भी रख सकते हैं और नॉन ब्लॉकिंग भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने बफर की बात की थी, तो बफर का जो साइज है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बफर के साइज को डिस्कस कर लेते हैं कि बफर का साइज जो है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों हो सकते हैं, यानी कि हम लेंथ डिफाइन करते हैं बफर की, या हम कहें कि भाई अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट लेंथ है, या फिर जीरो कैपेसिटी बफर है। जीरो कैपेसिटी बफर का मतलब क्या है कि बफर में हमने कोई वैल्यू रखी ही नहीं है, यानी जो रिसीवर होगा उसको फौरन फौरन रिसीव करनी होगी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि बफरिंग टेक्निक यूज करते हुए अगर जीरो कैपेसिटी बफर हो तो कम्युनिकेशन वो ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन जाती है। इसी तरीके से बाउंडेड कैपेसिटी हो तो बाउंडेड कैपेसिटी में क्या होगा, अगर बफर की कैपेसिटी डिफाइन कर दी तो फिर सेंडर को वेट करना पड़ेगा, अगर बफर फुल हो जाता है तो सेंडर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। लेकिन अनबाउंडेड का फायदा क्या होता है, सेंडर को वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो कैपेसिटी समटाइम्स रेफर टू एज मैसेज पासिंग विद नो बफरिंग, और दूसरे के बाकी दोनों केसेस को हम ऑटोमेटिक बफरिंग, मैसेज पासिंग विद ऑटोमेटिक बफरिंग कहते हैं।